हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एट वेदर हिंदी में। तो आपने अभी तक हमारा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमारे पिछले ट्यूटोरियल में सीखा कि एक टीमेल में ड्रॉ किया था हमने पेंट में कि ये हमारा हेडर है, मेनू बार, साइड बार और कंटेंट एरिया और यहाँ पे नीचे फुटर है, वो मैंने किया अभी। ये मैंने कोडिंग से सब कुछ किया है। तो हम इसको कोड एडिटर से कैसे कर सकेंगे कंटेनर लगा के, तो वही आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ, सबसे पहले ड्रीमव्यूअर ओपन कीजिए, इसमें न्यू फाइल ले लीजिए और उसको सेव कर दीजिए जहाँ आपने सेव करनी है वहाँ पे। मैंने ये फाइल ले ली है, टाइटल हमने ड्यू टैग दे दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्यू देना है, कंटेनर लेना है, उसकी हमें आइडेंटिटी देनी है कि ये क्या है। तो हम इसका नेम दे देते, आईडी दे देते, कंटेनर दे दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारा एक कंटेनर हो गया, देखिए ये हमारा अभी कंटेनर हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये अभी ब्लैंक है। तो हमें सारे के सारे जो ड्यू है हमारा, जो ये लेआउट है, इस कंटेनर के भीतर बनाना है, सब कुछ इसके अंदर ही बनाना है। तो इसके अंदर हम वर्क करेंगे। तो मैं इसको करने के लिए CSS का यूज़ करना पड़ेगा। CSS HTML CSS के बिना अधूरा है। तो हम CSS इसमें इनलाइन नहीं, इंटरनल CSS यूज़ करेंगे क्योंकि इनलाइन CSS बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इनलाइन ही CSS यूज़ करेंगे। तो CSS के लिए हमें यहाँ पे स्टाइल लिखना होगा, स्टाइल लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे। आप कहीं पे भी स्टाइल टैग लगा के वहाँ से शुरू कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टार लगेंगे, स्टार होता है जो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाता है कि इसमें जो भी आप प्रॉपर्टी डालोगे वो पूरे पेज में अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं देता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल, बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल होता है, और पेडिंग 0 पिक्सल, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल ही होता है। और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड अभी तो कुछ नहीं, रेड दे देते हैं, रेड दे दिया। तो अभी यहाँ पे हमने जो कंटेनर लिया है वो ले लेते हैं। तो जो आईडी होता है उसको हम हैश से शुरू करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके हैश से शुरू करते हैं, और जो क्लास होता है उसको हम डॉट से शुरू करते हैं। आईडी होता है जो एक आइडेंटिटी होती है, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी हम ले लो कि उसकी आईडी दूसरे किसी भी पर्सन से मैच नहीं होती। तो इसमें भी ऐसा ही है कि आईडी आप दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते और क्लास दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ जो हमने कंटेनर दिया है, कंटेनर दे दिया। इसकी जो हम मैक्सिमम विड्थ है वो रखेंगे 600 पिक्सल रखते हैं, 600 पिक्सल। और इसकी जो ओनली फॉर विड्थ है 600 पिक्सल के भीतर होगी, उसकी अंदर होगी 100% होगी क्योंकि 600 पिक्सल में पूरा वर्क करें। और इसकी हाइट होगी अभी 600 पिक्सल रखते, बाद में ऑटो कर देंगे। तो हमने ये रख लिया। तो अभी इसकी यहाँ पे हम बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल की सॉलिड बॉर्डर। बॉर्डर में भी कुछ प्रकार आते हैं जो डॉटेड होती है, डॉट डॉट लग क्लिक दिखा के आती है। तो हम सॉलिड लेते हैं और इसका कलर हम देते हैं ब्लैक, ब्लैक दे दिया और इसको ख़त्म किया। सेव करके देखते, देखिए अभी ये देखिए आ रहा है, हमारा डीव दिख रहा है आपको, जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे हमारा डीव आ रहा है। तो हम यहाँ पे फिर मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन लगाया हमने टॉप से 0 पिक्सल, और उसके बाद आता है टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। तो यहाँ पे हम ऑटो कर देंगे क्योंकि ये टॉप पहला वाला जो लेता है, पहले दो लेते हैं टॉप और लेफ्ट लेते हैं, और दूसरा होता है बॉटम और राइट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑटो कर दिया। तो अभी ये बीच में आ जाएगा, ये देखिए बीच में आ गए। हम यहाँ से रेड कलर निकाल देते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा इस तरह हो गया। तो हम जो भी हमें वर्क करना है इस कंटेनर के भीतर करना है, सारा का सारा वर्क इसके अंदर करना है। तो हमें इसके अंदर और एक डिव लेते हैं, डिव का हम क्लास देंगे कि यहाँ पे हमने क्लास दिया कि ये हमारा हेडर है। तो हेडर ले लिया हमने, क्लास लिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि हेडर ही नाम दीजिए, आप अपना खुद का नाम दीजिए, डी वन दे दीजिए, जो भी नेम क्लास और आईडी में चलेगा। ये तो बस
अच्छा लगे इसलिए हम करते हैं कि हमें समझ में अच्छे से आ जाए इसलिए हम इसे ना यूज़ करते हैं। जो कि ये मैं लगा दिया हेडर, तो हम यहाँ पे डॉट से हेडर शुरू करेंगे। हेडर कर दिया, उसकी जो विड्थ होगी हो 100% ही होगी, क्या हमने वहाँ पे ही दे दिए मैक्सिमम 600 पिक्सल, तो यहाँ से हम 100% ही देंगे। और इसकी हाइट होगी वो हम देंगे 100 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो देंगे हम। यहाँ पे हमने कौन सा दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है, तो रेड ही दे। इसे हम ऐसा कलर हम यहाँ से उठा लेते हैं जो मैंने फोटोशॉप से ले लिया हुआ। हम यहाँ पे कुछ भी अभी तो कलर दे देते हैं। आप फोटोशॉप को ओपन करके रखिए और वहाँ से आप कलर ले लीजिए। तो हम यहाँ पे रेड दे देते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आ जाएगा एक व्यूअर, देखिए यहाँ पे आ गया। इस तरह हम बना सकते हैं। तो हमें अभी दूसरा डिव लेना होगा कि हम यहाँ एक और डिव ले देते जो हमारे मेन्यू बार के लिए है। तो हम यहाँ पे उसको भी क्लास देते हैं, मेनू दे देंगे, देखिए हो गया। और यहाँ पे हम डॉट मेनू करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसकी भी विड्थ हमें सेम ही देनी है, 100% की देनी है। तो इसकी हाइट है वो हम 60 पिक्सल दे देते हैं। उसका बैकग्राउंड है, हम बैकग्राउंड कलर रिन्यूअर में से ही ले लेते हैं कलर जो चाहिए हमें। हम ऐसा कलर कुछ रख देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। देखिए होगी मेन्यू बार हमारी, थोड़ी 50 पिक्सल रख देते हैं, थोड़ी ज़्यादा रख दिया अभी। यहाँ मेन्यू बार अभी हमें साइड बार लगानी है, तो हम यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं। डिव ले लिया हमने, इसको मैं आईडी दूंगा आपको जस्ट दिखाने के लिए कि ये दोनों सेम ही है, मतलब कि आईडी की आइडेंटिटी हो रही है। और क्लास कहीं भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यही क्लास हेडर का मैं यहाँ पे दूसरा डिव लूँगा तो वहाँ हेडर दे दूंगा, तो ये हमारा जो यहाँ पे कलर आईडी हुई है सेम लग जाएगी वहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ साइड बार, साइड बार दे दिया। और यहाँ पे हमने डिव को खत्म कर दिया। और अब यहाँ से हम हेस से शुरू करेंगे साइड बार। तो इसकी विड्थ होगी वो हम यहाँ से 20% दे देंगे, क्योंकि ये साइड बार हमारा छोटा है और उसकी हाइट है। हम इसको 600 पिक्सल दे देते हैं। हम यहाँ से अभी ऑटो कर देते हैं। यहाँ हमने हाइट दी हुई है उसको हम ऑटो कर देंगे। ऑटो का मतलब है कि जो अपने हिसाब से और यहाँ से हम जो भी करते जाएंगे उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसकी कोई मैक्सिमम हाइट होती नहीं कि उसके उससे बाहर हम नहीं कर सकते। जो हमने 600 पिक्सल दिया था उसमें लिमिट हो गई, इसमें कोई लिमिट नहीं है। देखिए हमने 600 पिक्सल दिया तो अपने हिसाब से बढ़ गया। तो मैं यहाँ से 600 पिक्सल निकाल के कुछ कम कर देता हूँ, 500 पिक्सल कर देता हूँ। अब यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ इस तरह दे देते हैं इसका कलर। अभी देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, देखिए हो गया। इसको हम 25% कर देते, 25% कर दिया हमने, देखिए आ गया हमारा। और हमें ये कंटेनर रखा तो हमें इसमें कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर लगा देंगे। कंटेनर का जो कलर है वहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा देंगे। कलर लगा दिया हमने यहाँ पे कुछ ऐसा लगा देते हैं, पर्पल कलर लगा दिया। तो अभी यहाँ पे दिख जाएगा, दिख गया यहाँ पे। और हम यहाँ पे एक दूसरा डिव जो हमारे फुटर के लिए लेना था वो डिव लेंगे, इसमें हम क्लास देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं हेडर ले लेता हूँ, तो देखिएगा ये हेडर ले लिया, तो देखिए अभी ये देखिए सेम उसी की तरह आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने हेडर लिया तो सेम दोनों दिख रहा है, देखिए आ गया दोनों। तो अब यहाँ पे हम आईडी लेते हैं तो वर्क तो शायद करेगा ही, पर उतना नहीं वर्क करेगा देखिए, क्योंकि ये आईडी में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए देखिए आईडी नहीं आया, यहाँ पे आईडी नहीं डिफाइन हो सकेगा। जो आईडी होता है एक ही जगह पे यूज़ होता है, क्लास होता है हर एक जगह पे यूज़ करेंगे। क्लास को हम 2 या 3 बार या 5 बार या 10 बार यूज़ करोगे तो वो चलेगा। हमने यहाँ पे हेडर लगा दिया या मेनू लगा देंगे तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पे हमने मेनू लगा दिया तो ये मेनू भी चलता है, इसलिए क्लास ही अच्छा होता है आपको यूज़ करने। कोई ऐसा हमने कोई बॉक्स लिया या डिव लिया तो वहाँ पे आपको जो कोई भी चेंजेस नहीं करना, वहाँ पे आईडी ले लीजिए
बाकी सब पे क्लास लेके काम करके मैं क्लास में ही काम करता हूँ, तो इस तरह हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक नया नया देते हैं क्लास, हम फुटर देते थे, फुटर दे दिया। तो भी देखिए ये फुटर में हमें फिर से करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डॉट लगा के फुटर और इसकी हम विद देते हैं 100% होगी जहाँ पे हमने वहाँ दी थी ऐसी। तो इसकी हाइट होगी, हाइट होगी इसकी 80 पिक्सल, 80 पिक्सल होगी। तो इसका बैकग्राउंड का कलर होगा, हम इसका बैकग्राउंड का कलर ले लेते हैं, ऐसा कुछ कलर ले लेते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए अभी हमारा कंप्लीट हो गया जो लेआउट हमने पेंट में बनाया था ऐसा, देखिए इसी तरह हमने लेआउट बनाया था हुआ था। तो अभी इसकी मैं थोड़ी विथ ज़्यादा कर देता हूँ, जो हमने मैक्सिमम दी थी वहाँ पे हम इसको 800 पिक्सल कर देते हैं, देखिए थोड़ी बढ़ गई है। और इसको हम पेडिंग दे देते हैं, अभी देखिए पेडिंग हम देंगे, पेडिंग देंगे तो ये अंदर से थोड़ा जगह बना देगा, देखिएगा अभी हमने पेडिंग दिया, तो देखिए बैकग्राउंड में दिख रहा है अच्छे से, हमने बैकग्राउंड में ये कलर लगाया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो हम इस कलर को निकाल के कोई अच्छा सा कलर लगा देते हैं, हम यहाँ पे ऐसा कलर कुछ लगाएंगे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए अभी बॉर्डर हमारी बॉर्डर भी हो गई, और हमने जो पेडिंग दिया यहाँ से अंदर से हमने 5 पिक्सल दिया हुआ है, देखिए इसकी साइज तो सेम ही रहेगी पर बट अंदर से ये थोड़ा निकल के आया 5 पिक्सल, यहाँ पे हम 10 पिक्सल देंगे। तो देखिए अभी तो देखिए अंदर से ही होगा, देखिए हो गया, यहाँ पे हम 100 पिक्सल देंगे तो भी ये अंदर से ही बढ़ेगा, देखिए अंदर से साइड से साइड को बदल देता है। तो इस तरह हम पेडिंग का यूज़ करके हम यहाँ पे 5 पिक्सल रहने देते, देखिए हमारा अच्छे से हो गया, देखिए। तो इस तरह हम डिव का यूज़ करके कोई भी लेआउट बना सकते हैं, इसी तरह हम टेबल का भी लेआउट बनेंगे, हमारे अगले ट्यूटोरियल में सेम लेआउट हम टेबल का बना के आपको दिखाएंगे, फिर आगे इसमें काम करके बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने हमारा HTML का अगला ट्यूटोरियल्स के वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए जाके, वो सभी मैंने HTML के ऊपर ही बनाए हैं, और वो वीडियो सारे अच्छे हैं, तो आप वो जाके देख लीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको YouTube के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहे और सबसे पहले मिलते रहे। तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो, शेयर कीजिए अच्छा लगे तो। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।